जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट ही आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की पुरानी भर्ती और नई भर्ती के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है एसएससी जीडी को लेकर, जो एसएससी जीडी की भर्ती अभी चल रही है। और आपको बता दें, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी, एसएससी जीडी के नए फॉर्म कब निकलेंगे, तो काफ़ी डाउट्स जो है बच्चों के माइंड में चलता रहता है। तो आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी जो पुरानी भर्ती है वो आपकी बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। एसएससी जीडी की तरफ से 2 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आता है सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जिसमें इनका कहना है कि एज अ डेट डिजायर्ड बाय एमएचए डीएमई इवेंट 2022 इन कैप्स एसएससी राइफलमैन इन अर्लियर शेड्यूल फ्रॉम क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम आफ्टर 5 अगस्त हैज नो बीन प्रीपोन्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट इन मिशन मोड द सेंटर वाइज प्रीपोन्ड डेट डीवी मेडिकल एज अंडर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएफ जलंधर, बीएसएफ केशिंगन, बीएसएफ नाडिया, बीएसएफ नाथचुन पांगा, देख सकते हैं तमाम जो सेंटर हैं, सीआरपीएफ जम्मू, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर, सेवार सिंधे, तमाम जो एरिए हैं मेडिकल जहाँ पे हो रहा है। द कैंडिडेट अबव 18 सेंटर एलियर डीएम एड्रेस 7 अगस्त टू 9 अगस्त बिल रिपोर्ट कंसर्न। आपको बता दें कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मेडिकल 7 अगस्त को होने वाले थे, अब उन्हें मेडिकल 3 अगस्त को होगा। 8 अगस्त को होने वाले बच्चों का मेडिकल 4 को और 9 को होने वाला 5 को। मतलब कि एसएससी जीडी बहुत ही जल्द जहां पर अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी वालों की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। मेरे ख्याल से नवंबर महीने से जो एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो सकती है। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। जो बच्चे फिट हुए हैं, जिनके मार्क्स 3 से 4 1 2 3 4 5 मार्क्स ऊपर हैं, उन बच्चों के नंबर जो हैं वो आने के चांस हैं। एससी एसटी ओबीसी तमाम जो भी बच्चे फिट हुए हैं उन बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो फिट हुए हैं, वो आप लोगों को बता दें कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी jkstudent.desiboy06 के नाम से आईडी है, आप लोग जरूर फॉलो करें। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो नहीं है सिलेक्टेड वो भी करें, तो आप लोगों को बता दें जो नोटिस आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट होगी और नई भर्ती के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पीछे सीआरपीएफ ने 1,29,000 वैकेंट वैकेंसी बताई है, तो इसका मतलब है कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी कवर करने की तैयारी की जा रही है। रिटायरमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, इसलिए आप लोगों को बता दें कि बड़ी भर्ती का आगाज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोबारा से 60 से 70 हज़ार वैकेंसी एसएससी जीडी में देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत ही जल्द इस मेडिकल को कंप्लीट किया जाएगा, 5 अगस्त को ही मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त के लास्ट में ही आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन लिस्टें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि फिर आप लोगों की आस्ता आस्ता ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी तमाम ट्रेनिंग सेंटरों में। जैसे ये भर्ती पूरी होती है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एसएससी जीडी के बाद ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी ओपन रैली के आने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे।